हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओसीएल रिफाइनरी की, जो कि आपका 3 तारीख को, 3 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, 12th वाले, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वालों ने भी दिया होगा और बीए बीएससी सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा 3 तारीख को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, इसकी जो आंसर की है वो कब आएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आंसर की आएगी या रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हुआ ना आपका, तो आपको एग्ज़ाम मतलब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये समझ लो। इंडियन ऑयल तुरंत ही भगा देता है एक भी डॉक्यूमेंट हुआ तो। मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। चलिए तो देखते हैं पूरा वीडियो, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। आपको पता है करीबन 1700 वैकेंसी लगभग आई थी, ठीक है, और रिफाइनरी डिवीज़न का है ये। तो सबसे नीचे हम जाते हैं, मैं सारी स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी स्टेट है। सबसे नीचे हम जाते हैं, ध्यान से देखना पूरा वीडियो, ठीक है, मिस मत करना। एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिक्कत है फिर आपको ही होती हैं। अभी एक बच्चा है ना, वो मैसेज कर रहा मेरे पास, सर एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देखो, एडमिट कार्ड का भी नहीं पता उसको, 3 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है। देखो, 21 तारीख को ये आया था नोटिफिकेशन, ठीक है, लास्ट डेट जो भी रही होगी इसकी, हम बात करेंगे टेस्ट, रिटन टेस्ट की। तो 3 दिसंबर को एग्ज़ाम आपका हो चुका है, ठीक है, जो कि कल। अब टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट, देखो टेस्ट रिजल्ट कब आएगा, वो 3/12 को आएगा, मतलब 12-13/12 को आएगा। 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा शाम तक। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, रिजल्ट आ गया है तो कैसे देखना, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो 13 तारीख के बाद कितने, 5 दिन आपको मिलेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब इसमें तुम्हें 5 दिन में ही ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, जाना भी पड़ेगा आईओसीएल जहाँ बुलाएगा, और वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं आज ही आपको वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे क्या है आप दिक्कत नहीं हो आपको कोई भी, ठीक है। बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं और प्रोविजनल लेटर होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा एक एक करके, और ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, कोई भी इंसान असम से जा रहा है, दिल्ली में आ रहा है, डॉक्यूमेंट एक नहीं होगा उसके पास तो दिक्कत होगी। मतलब 4-5 घंटे का, 10 घंटे का, 20 घंटे का ट्रैवल करके आप जा रहे हो, और एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया, अगर कोई दिक्कत हो गई तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट भी अभी से तैयार कर लेने हैं सारे सारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये बता दूंगा कि ये चीज़ लेकर आ जानी है आपको, बस कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको इकट्ठे कर लेने हैं एक एक करके, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, ठीक है। बस इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ कि देखो दिक्कतें आपको ना हो। चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको।